हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग और बढ़िया होंगे। तो आज मैं जो एक नई वीडियो, तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है स्विफ्ट डीजल पे, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर कर चुकी है, मतलब 98,500 पे। तो क्या कुछ एक्सपीरियंस है इसे अब चलाने का, क्या कुछ मतलब डिग्रेड हुआ है, इंजन परफॉर्मेंस कम हुई है, जो तो सब कुछ कवर होने वाला है इस वीडियो में। अगर आपको आप क्योंकि डीजल तो आपको मिलेगी नहीं स्विफ्ट, तो अगर आपको सेकंड हैंड मार्केट में मिल रही है और अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले कर लेते हैं एक्सटीरियर से बात। तो एक्सटीरियर में आप देखोगे तो उस टाइम जब ये 2013 का मॉडल है डीजल VDI, तो इसमें आपको कोई प्रोजेक्टर लैंप्स देखने को नहीं मिलते थे, इसमें आपको हेलोजन मिलेगा एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। नीचे फॉग लैंप्स आपको कंपनी फिटेड मिलते थे, ऐसी कुछ ग्रिल आती थी। तो अगर आप नॉर्मल वेरिएंट की बात करोगे, ये स्पोर्ट्स एडिशन था, बीच में मारुति ने मतलब लाया था, तो उसमें आपको थोड़े मतलब ये आपको जो पार्ट दिख रहा है अलग से, ये स्किड प्लेट टाइप की जो होती है वो आपको मिल जाती थी एंड साइड में भी कुछ स्टिकर्स वगैरह मिल जाते हैं, RS की बैजिंग मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको इंजन की बैजिंग मिल जाएगी DDIS, जो बताता है कि ये डीजल मॉडल है। एंड उसके साथ ये जो आपके साइड मिरर्स हैं, ये थोड़े अच्छी क्वालिटी के इस मॉडल में दिए गए थे। VDI में अच्छे ही आते थे, मतलब इससे नीचे ही वो प्लास्टिक वाले आते थे जो कि जल्दी मतलब इधर उधर घूम जाते थे। एंड इस पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएगा, बाकी आपको इधर लॉक खोलने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको लॉक अगर इस साइड से एंटर करनी तो रिमोट से लॉक खोल के आप तभी अंदर जा सकते हैं। एंड बाकी हो गया फ्यूल कैप, इधर ऑप्शन मिल गया। एंड पीछे से कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा, पीछे आपको इसमें स्पॉयलर भी देखने को मिलेगा, जो ये आपको दिख रहा है ये स्पॉयलर स्पोर्ट्स एडिशन है, तो इसमें आपको स्पॉयलर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं पीछे से थोड़ी दूर से मैंने जैसे आपको दिखाया, तो इसमें पीछे आपको एक वार्निंग लाइट मिल जाएगी जिसमें आपकी लाइट जलती है एंड ये आपकी नॉर्मल लाइट्स हो गई, कोई LED वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, सारे हेलोजन बल्ब्स है, रेड भी, ये भी और ये भी। एंड ये आपको स्पोर्ट्स की बैजिंग थी जो कि अभी निकल गया है एंड ये VDI की बैजिंग की कौन सा वेरियंट है, तो ऐसा कुछ लुक आपको पीछे से देखने को मिलने वाला है। एक बार तो अगर आप वैसे देखो ना, तो ऐसा लगता है कि ये हल्की सी स्माइल दे रहा है पीछे से बूट, तो वैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर ये आपको खोलनी है डिक्की, तो आपको यहाँ पर चाबी इंसर्ट करनी पड़ेगी, ऐसे घुमाओगे तो ऐसे बूट खुल जाएगा। बूट स्पेस कुछ ज़्यादा अच्छा खास मिलता नहीं था, बट ये डीप बूट था, तो ज़्यादा बूट की आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसमें ज़्यादा आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी थी। तो सेम इस साइड से आता हूँ और इस साइड से आपको जो देखने को मिलेगा, इसमें कोई अलॉयज आपको देखने को मिलेंगे, ZDI वेरिएंट में आते थे बट इसमें आपको अलॉयज देखने के लिए मिलेंगे। 165/80 R14, एक बार इसमें टायर चेंज हो चुके हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर कवर कर चुकी है, तो अलॉयज नहीं, आपको ऐसे ही इसके ऊपर आपको कवर देखने को मिलेगा। एंड ये जो बैजिंग है आपको RS की बैजिंग देखने को मिलेगी, तो ये आपको जो अलग कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ये एक्चुअल में ये ब्लैक कलर है एंड ये ब्लू है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स एडिशन था, तो इस वजह से इस कलर कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिल रही है। एंड ये भी जो आपको दिख रहा है ये अलग इस वजह से क्योंकि ये स्पोर्ट्स एडिशन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं एक्सटीरियर से। अब ये गाड़ी आपको खरीदने को नहीं मिलेगी डीजल वेरिएंट में, तो और अब वैसे भी स्विफ्ट नहीं आ गई है, तो वो आपको देखने को मतलब ये वाला मॉडल आपको सेकंड हैंड में ही मिलेगा, और डीजल भी चाहिए तो भी सेकंड हैंड में ही मिलेगा। अब एक बार मैं अंदर आ गया, अंदर क्या कुछ है उसकी हम बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे ये अभी लॉक हो गया है क्योंकि मैंने इसे बंद गाड़ी में करा था, तो जो आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो ये आपको ऑलमोस्ट जो भी मारुति की गाड़ी आती थी सब में ये आपको कॉमन देखने को मिलने वाला है। बाकी मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ, इसका थोड़ा हिला के ही ऑन करना पड़ रहेगा, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है ये। तो ये जो इसकी फ्यूल इकोनॉमी है, ये मोस्टली सिटी रन करती है गाड़ी, ओकेजनली हाईवे ड्राइव पे जाती है, तो ये 99.19.9 का एवरेज दिखा रही है। तो हमें वैसे ही पता है कि स्विफ्ट एक माइलेज मशीन है, इसमें बहुत अच्छा एवरेज मिलता था। तो ये है 98,652 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है एंड बाकी अभी भी चलने में कैसी है वो सब हम जब गाड़ी चलाएंगे तब बात करेंगे। इधर आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये बाहर से लगवाया हुआ है। और यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, ये AC कंट्रोल्स हो गए, ऑटोमेटिक नहीं है, नॉर्मल AC वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आप अपना फोन पर्स वगैरह रख सकते हैं अंदर एंड यहाँ पे आप अपना मतलब अगर कोई आप ड्रिंक पी रहे हैं, जैसे कि आपकी मतलब ग्लास में कुछ पानी वानी है, तो वो यहाँ रख सकते हैं। बाकी एक चीज अच्छी है कि इस साइड भी आपको एक कप होल्डर मिलता है और यहाँ पे आप अपना रख सकते हैं, और अगर आपको ठंडा करना है तो ये अब विद टाइम थोड़ा लूज हो गया है, बट ये बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि यहाँ AC से वो ठंडा रहता है। बाकी यहाँ पे आपको एक एक लीटर की बोतल रखने की स्पेस मिल जाती है, ग्लव बॉक्स इस साइज का मिल जाता है जो कि डिसेंट साइज है एंड बाकी आप यहाँ पे अपने 2-3 फोन रख सकते हो, तो प्रैक्टिकलिटी सही है इस गाड़ी में, स्पेस वगैरह आपको सही मिल जाता है एंड सेम आपको इधर भी मिल जाता है। बाकी इधर की अगर मैं बात करूं तो आपको अलार्म बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो नीचे आपके फॉग लैंप्स है उन्हें ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपनी हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सारे आपको अपने विंडोज से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल गए एंड आउटसाइड मिरर एडजस्ट करना है तो वो ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। लॉक अनलॉक के बटन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। थाई सपोर्ट वगैरह बहुत बढ़िया है इस गाड़ी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड यहाँ पे आपको एक बहुत थोड़ा सा डेड पेडल भी मिल जाता है कि जहाँ पे आप अपना पैर रख के गाड़ी चला सकते हैं अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं, क्लच की जरूरत नहीं है। तो एक बार मैं पीछे चलता हूँ, पीछे क्या कुछ स्पेस मिलता है उसकी बात कर लेंगे, अपनी
पोजीशन के हिसाब से मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। और एक चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ, आर्मरेस्ट उस टाइम पे इतना नहीं आता था इतनी गाड़ियों में, तो आर्मरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा, बाकी नॉर्मल हैंड ब्रेक एंड ये आपका गियर लीवर हो गया। तो गाइज मैं पीछे की सीट पे आ गया हूँ, मैंने अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लिए, तो ये कुछ स्पेस मिलता है। तो ये आपकी प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में तो आती नहीं है कि जो थोड़ी और लंबी होगी, तो ये नॉर्मल आपके हैचबैक में ही आती है। तो इस टाइप का स्पेस मिलता है जो कि डिसेंट है, अगर 5-8 का बंदा आगे बैठा है पीछे भी बैठ सकता है, बट 6 फुट का बंदा अगर आगे बैठा है तो शायद पीछे 6 फुट के बंदे को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी पीछे कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, पार्सल ट्रे मिलती है एंड यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं जिसको आप पकड़ के अगर कहीं टर्न वन है तो वो कर सकते हैं। बाकी एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये जो आपको मिरर दिख रहा है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब ये हाथ से लाओ तो मतलब बहुत ज्यादा हिल जाता है, थोड़ा लूज है। तो ये अब मारुति ने इम्प्रूव कर दिया है, बट ये बहुत ज्यादा आपको लूज देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल्स मिल गए मिरर के एंड ये पीछे आर्मरेस्ट हो गया, एडजस्टेबल है जो कि अच्छी चीज है, इंटर वाले पैसेंजर के लिए नहीं है जनरली क्योंकि इससे विजन भी ब्लॉक होता है तो उसकी वजह से शायद नहीं दिया होगा, बट दो आपको आर्मरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सीट कवर्स इसके साथ ही लगे लगाए आए थे, तो ये कंपनी फिटेड चीजें हैं इसमें सारी एंड इससे आप समझो ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं इस गाड़ी को। ऐसी प्लास्टिक कंडीशन इस गाड़ी की है, या मतलब आप जो सीट कवर्स है जो क्वालिटी है आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैट्स भी कंपनी फिटेड है, आप देख सकते हैं मारुति जेन्युइन एक्सेसरी। तो सब कुछ जो अभी आपको इसमें चीजें दिख रही है कंपनी फिटेड है, कुछ भी बाहर से इसमें कुछ करा हुआ नहीं है। और यहाँ पे भी आपको 1 लीटर की बोतल रखने की स्पेस मिल जाती है। तो ये कुछ चीजें थी अंदर से बाहर से इंटीरियर एक्सटीरियर की। अब इस गाड़ी को चलाते हैं और देखते हैं क्या कुछ कैसा है इसमें। तो गाइस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, कैसा कुछ चलाने का एक्सपीरियंस है, क्या है और क्या कंडीशन है, कि अभी भी जो आपका टर्बो है वो क्या कंडीशन में है, कि सही है नहीं है। वैसे ये उन गाड़ियों में से है जो लोग 2.5-3 किलोमीटर चलाते हैं, उसे बैक करवाते हैं फिर बेचते हैं, फिर वो जिसके पास है वो भी 2.5-3 लाख किलोमीटर चलाता है बैक करा के। वैसे मतलब इस इंजन की काफी अच्छी लाइफ है, 1300 सीसी का इसमें इंजन आता है एंड ये फीएट सोर्स इंजन है। तो इसमें जो बाकी बातें मैं चलाने की बात करूंगा। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट जरूर पहने, आपकी सेफ्टी के लिए है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको क्लच दबाने की जरूरत है, सीधे आप सेल्फ मारेंगे ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने फर्स्ट गियर, एक चीज मैं बताऊं, इसमें अभी इसका फर्स्ट सेट ऑफ क्लच ही चल रहा है एंड उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट गियर पे उठाते टाइम ये गाड़ी वाइब्रेट करती हो या कुछ करती हो, एंड क्लच एकदम सॉफ्ट है, गियर लीवर भी एकदम सॉफ्ट है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मारुति ने बहुत अच्छे पार्ट्स इसमें लगाए हैं कि आज भी इसकी कंडीशन वैसी है जैसी ऑलमोस्ट नई ली थी क्लच एंड गियर बॉक्स के मामले में। एसी इसका बढ़िया काम करता है, आज भी अगर मैं 1 पे एसी चला के छोड़ दूंगा तो गाड़ी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। अब यहां से एक बार यूटर्न लेते हैं और इसका टर्निंग रेडियस देख लेते हैं। तो जब भी आप ऐसा मोड़े तो पीछे ध्यान दे कोई आना रहा हो और इंडिकेटर देके ही मोड़नी चाहिए। तो मैंने अभी स्टीयरिंग पूरा भी नहीं मोड़ा और यहीं से हम गाड़ी हमारी पूरी मुड़ गई है। तो अगर इनिशियल पिकअप इनिशियल पावर की मैं बात करूं तो ये इंजन फेमस था टर्बो लैग के लिए कि 2000 के नीचे आप इसमें पावर या रेस दबाते रह जाओ आपको पावर नहीं मिलेगी, बट आफ्टर 2000 इसमें जो पावर आती है ये अब 2000 एंड नाउ ये इसने पिक बहुत अच्छे से करना शुरू कर दिया। तो 2000 के बाद तो मतलब इसमें इतनी जान आ जाती है, इतना टर्बो जब किक इन हो जाता है इसका उसके बाद तो एकदम आपको इतना पुश मिलता है कि वो फ्रंट टू ड्राइव वाला फैक्टर इसमें आना शुरू हो जाता है एंड आप अपनी सीट में मतलब पीछे को हो जाते हो ऐसे कि एक बार को। तो ये तो तब है जब ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है और सोचो जब नई गाड़ी होगी तो कितना अच्छा, क्योंकि विद टाइम थोड़ी चीजें डिग्रेड होती ही होती हैं। बाकी एक ब्रेकर आया है, ब्रेकर के ऊपर सस्पेंशन की बात करेंगे। तो जब ये मॉडल आया था 2013 में तब स्विफ्ट के थोड़े आपके सॉफ्टर साइड पे सस्पेंशन रहते थे, अब तो धीरे धीरे मारुति भी थोड़ा स्टिफ साइड पे आ गई है, बलेनो में स्टिफ है, नई वाली स्विफ्ट में स्टिफ है, तो स्टिफर साइड पे आ गई है, बट इसके सॉफ्ट सस्पेंशन थे। मतलब इसका सस्पेंशन सेटअप मुझे बहुत बहुत सही लगता है उस टाइम, मतलब अब वाले सेटअप से मुझे इसका सेटअप सही लगता है सस्पेंशन का, कि सॉफ्ट है कि अगर आप सिटी में चला रहे हो तो घंटे इतने अंदर फील नहीं होते एंड स्टेरिंग का फीडबैक भी आता था। तो ये फन टू ड्राइव कार्स में से आती थी जब स्विफ्ट आई थी, स्विफ्ट को लोगों ने इतने इतने साल चलाया तो एक फन टू ड्राइव कार हुआ करती थी इसका डीजल वाला, क्योंकि इसमें जब पावर आती थी तो इतनी सर्ज ऑफ पावर आती थी कि लोगों को मजा आ जाता था इसे चलाने में। बट ये भी इसके साथ एक फैक्टर ये भी था कि अगर आप सिटी में चला रहे हो तो बहुत बार डाउन शिफ्ट करना पड़ता था ओवरटेक करने के लिए, बट आप हाईवे पे चला रहे हो या तो इसे 2000 के ऊपर रखो तो हमेशा आप इसके पावर बैंड में हो और ये खिंचती चली जाएगी, बट अगर आप ऐसा है कि एवरेज भी निकालना है और थोड़ा प्रॉपर गियरिंग पे रहते हो तो आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ता था ओवरटेक के लिए। तो गाइस अब मैं थोड़ी खराब पैच ऑफ रोड पे आ गया हूँ
तो मुझे बिल्कुल भी ये गड्ढे अभी अंदर फील नहीं हो रहे हैं, मस्त इसके ऊपर से गाड़ी जाती जा रही है। बस थोड़ी सी नॉइज है सस्पेंशन की, वो इस वजह से क्योंकि गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर कर चुकी है एंड इतने पे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ी बहुत सस्पेंशन में से नॉइज आ ही जाएगी। इसमें अभी भी कोई ऐसा मेजर काम आज तक नहीं हुआ है, नॉर्मल सर्विस हुई है हमेशा एंड उसके बाद भी ये एकदम मक्खन चलती है। इंजन में कोई आवाज नहीं किस चीज की नहीं, थोड़ी सस्पेंशन वगैरह में तो आप मतलब 50,000-60,000 किलोमीटर में हर गाड़ी में आ जाती है। अच्छा, अब वाली जो मारुति की जैसे थोड़ी गाड़ी आ रही है तो उनमें क्या है कि यहाँ पे ये गेट्स इसके पता लगते हैं, बट इसके अभी भी ऐसे है कि ये प्लास्टिक पार्ट बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। तो ये चीज अच्छी है इसकी कि मतलब अब धीरे धीरे कुछ चीजों की क्वालिटी कम होती जा रही है एंड वो कॉस्ट कटिंग करने के लिए गाड़ियां महंगी होती जा रही है, उसमें कॉस्ट कटिंग बढ़ती जा रही है एंड क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है, तो वो वाली बात है। तो ये गाड़ी तो अब आपको मतलब सेकंड हैंड में मिलेगी, फर्स्ट हैंड में मिलेगी नहीं, क्योंकि डीजल इंजन्स मारुति ने बंद कर दिए सारे BS6 नॉर्म्स आने के बाद से। तो अगर ये आपको सेकंड हैंड में मिल रही है और जेन्युइन किलोमीटर्स चली हुई मिल रही है 1,00,000 किलोमीटर, तो मैं तो अब भी कहूंगा कि आप इस गाड़ी को ले लो। एवरेज भी अच्छा निकालती है, मेंटेनेंस भी कम है और रनिंग है इसकी कि ये अपना आपने अब 4-5 लाख किलोमीटर तक ये गाड़ी कहीं भी नहीं गई है। तो ये कुछ चीजें, लाइट्स जो इसकी हैं वो थोड़ी कम है, मतलब इसकी विजिबिलिटी इतनी नहीं है लाइट्स की, तो वो एक चीज है। बाकी ये कुछ चीजें थी जो मुझे शेयर करनी थी इसको चलाने के बाद फील हुआ। बट एक चीज तो नो डाउट है कि अगर आप इसको रखते हो तो और आपको थोड़ा है कि आपको खींच के चलाने की गाड़ी है, तो आप इसे हमेशा 2000 से ऊपर रखोगे और हमेशा टर्बो यूज करके इसे चलाओगे, मतलब जो 2000 के बाद जो टर्बो किकन होता है उसको यूज करते हुए चलाओगे और हमेशा उसका मतलब मजा आता है उसे चलाने में 2000 RPM के बाद, तो वो चीज है इसमें। तो गाइस अब इस वीडियो को कर लेते हैं, तो इस वीडियो के लिए तथा उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए शिवम गुप्ता लॉग्स डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पे फ्लैश होगा इंस्टाग्राम हैंडल का, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल दी लेटेस्ट अपडेट्स। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।